आ रहा था। और आप क्या कर रही थी? मैं क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। झूठ मत बोली, सब देख रहा था मैं। झूठ क्या, मैं बस देख रही थी तुम्हें। क्यों क्यों? हाँ, तुम सारी सारी रात मेरे बालकनी में बैठो, मुझे सोता हुआ देखो, वीडियो बनाओ, तभी मैंने नहीं पूछा क्यों। बिल्कुल देखिए, शौक से देखिए, पर अभी तो मैं सो भी नहीं रहा था, तो आप क्या देख रही थी? वो पट्टू। जानना चाहते हो ना मैं क्या देख रही थी? तुम्हें देख रही थी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे ओठ, तुम्हारे शोल्डर्स, तुम्हारे आर्म्स। ची 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 ओ हो हो ची। ये आजकल के टीवी और इंटरनेट ने लड़कियों को बर्बाद कर रखा है। अब तो तुम ये भी नहीं पूछ सकता आपके घर में भाई बाप है या नहीं। हाँ, नहीं पूछ सकते तुम, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि घर में भाई और पापा दोनों हैं। मगर मुझे तुम्हें अपना भाई या पापा नहीं बनाना, यही तो प्रॉब्लम है मेरे गबरू जवान। भगवान मुझे बचा लो, मेरी इज्जत पे खतरा है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे प्यार तुम्हारे इन हॉट लुक्स के वजह से तो हुआ है, वरना शरीफों की कमी नहीं है मेरे लिए। ये भगवान, ऐसे गंदे संस्कार आपकी माँ के दिए हुए तो नहीं लगते। आपके पिताजी इतने गंदे हाल तो उनके भी नहीं है। अच्छा, दूध से भी प्योर सोच वाले तुम, मुझे बताओ तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? मैंने कब कहा मैं आपसे प्यार करता हूँ? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? कनीज की आरजुएं बढ़ती जा रही हैं। मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखिए मैडम। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? आई लव यू बोलने के लिए जबान को हार्ट अटैक आ जाता है तुम्हारी? आप देख तो रही हैं मुझे कितना काम है, आई एम रियली बिजी। बिजी? इतने प्यार से मैं तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, जिंदगी भर कवारे रहोगे, देख लेना। मैं जिंदगी भर कवारा रहूंगा तो आप भी कुंवारी रहेंगी, खुद को बदवा क्यों दे रही है? गलत फहमी मत पालना, मुझसे शादी करने वालों की लाइन लगी है यहाँ। तो लाइन लगा कर क्या स्वयंवर में बिठाएंगी, किसी एक से शादी क्यों नहीं कर लेती? अभी तक कोई पसंद नहीं आया ना, जब पसंद आ जाएगा तब कर लूंगी। कोई हैंडसम सा, गुड लुकिंग, जो फ्रेंडली हो और तुम्हारी तरह नखरे ना दिखाए, आई लव यू भी बोल दे मुझे, तुम्हारी तरह नहीं अखड़ू। हाँ तो ये बात तो आपकी एकदम करेक्ट है, ऐसा आदमी मिलते ही फौरन शादी कर लीजिए आप।
विविधा, मैं मजाक कर रहा था, आप रो क्यों रही हैं? बहुत दिनों से अपनी फीलिंग्स दबाए रखी थी अथर, कंट्रोल कर रही थी अपने आप को, मगर अब तुम्हारा प्यार मुझे कंट्रोल करता है अथर। मैं तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब मेरी जिंदगी तुम हो अथर। अगर तुम नहीं हो तो विविधा मर जाएगी। ऐसी मनहूस बातें बोलना तो क्या, सोचना भी मत। आप आइए मेरे साथ, यहां बैठिए। मेरे इन हाथों की लकीरों को देख रही हैं आप? इन्हीं में मेरे साथ में कहीं आपका नाम लिखा है। और आपके इस हाथ में कहीं पर मेरा, हमें प्यार ने बांध रखा है, लेकिन मिलाया नसीब ने है। हमें तो मिलना ही था, हमें कौन अलग कर सकता है। अच्छा, इतनी सारी लाइंस में मेरी वाली लाइन कौन सी है? बहुत सिंपल है, ये देखो, ये सबसे मोटी गहरी वाली, मोटी ये वाली लाइन जो है, ये इसमें तुम हो। चढ़ाने के अलावा तुम्हें कुछ आता नहीं है ना? ये देखो, मेरे हाथों की ये वाली लाइन, ये जो सबसे लंबी है, ये है अथर सुजाता। तशरीफ ले आए, अब आपको जाना चाहिए। हेलो, आप आ गए हैं, अब आपको जाना चाहिए। क्यों, हम ऐसा क्यों कर रहे थे? हम सारी बातें क्यों छुपा रहे हैं उनसे, और कब तक छुपाएंगे? कल जब उन्होंने मेरे हाथों में ये चूड़ियां देखी, तब भी मैं कुछ बोल नहीं पाई। और जब मैं सुजाता चाची से मिलने आ रही थी, तब उन्होंने मुझे रोका, तब भी मैं उनसे सच नहीं बता पाई। दादी ने बीच में आकर झूठ बोल दिया। दादी ने तुम्हारे साथ प्लान बनाया मंदिर जाने का,
और मुझसे कहा कि मैं पापा को ना बताऊं क्यों? अतर्व, हम ये सब क्यों छुपा रहे हैं उनसे? क्यों? हम कौन सा ऐसा गलत काम कर रहे हैं जिससे उन्हें शर्मिंदगी हो? अतर्व, मुझे नहीं लगता मैं कोई गलत काम कर रही हूं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। फिर मैं ये बात क्यों छुपाऊं पापा से? क्यों? मैं झूठ नहीं बोलना चाहती अथर्व, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे मिलती हूँ, तुम्हारे घर आती हूँ, सुजाता चाची से मिलना चाहती हूँ, उन्हें सब बताना चाहती हूँ, सब सच बताना चाहती हूँ। हम बाहर मिलते हैं, हम क्या करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, सब कुछ बताना चाहती हूँ। एक मिनट, हर चीज की डेली रिपोर्ट पापा को देने की जरूरत तो नहीं है ना निवेदा? झूठ बोलने में और प्राइवेसी में थोड़ा फर्क होता है। क्यों अथर, मैं उनसे कुछ भी क्यों छुपाऊं? मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ। अथर्व ने किस तरह आपको खींचा ये बताएंगे आप? किस तरह उसने आपको छुआ ये बताएंगे आप? धर्म ने आपको चूमा ये बताएंगे आप? और फिर कितनी देर तक, कितने प्यार से आप मुझे देखती रही ये कैसे बताएंगी आप? हद से ज्यादा बेशरम नहीं हो रहे हो तुम? सब समझते हो कि मैं क्या कह रही हूँ, समझना नहीं चाहते। छेड़ने का ये मतलब नहीं कि मैं आपको समझता नहीं। हमने कुछ गलत नहीं किया और आपको अपने पापा से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। जो, जब, जैसे चाहे आप उन्हें सब बता सकती हैं। अथर्व आपके साथ खड़ा मिलेगा, जो होगा देखा जाएगा। सोच लो। पक्का? महसूस करने वाली चीजों को सोचा नहीं जाता। आपके साथ मिलूंगा। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर पापा को सब सच बता दूंगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।